चौधरी राजेंद्र साहब आए और अपने विचार रखे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजेंद्र साहब। नहीं था, मैं तो सिर्फ चुनाव में होने आया था। आपने मुझे इसे लाइक कर दिया कि आपकी मोहब्बत ने कि राज बब्बर ने ये इस बात का अहद किया कि वो गुड़गावा छोड़कर नहीं जाएगा। मेरे बुजुर्गों मुझे ऐसी जगह पर लेकर गए, ऐसी जगह पर जिस जगह उन्होंने मेरा साथ देने का वादा किया, मैं आज तक भूल नहीं सकता। शायद आप उससे पूछते हैं, मैं हमेशा याद रखूंगा कि जिस जगह जिस पेड़ के नीचे आप थी भाई, यहाँ पर तमाम, यहाँ पर सूबेदार साहब बैठे हैं, यहाँ पर तमाम हजरात बैठे हैं, यहाँ पर एहसान और एहसान दोनों बैठे हैं, इनके जोश को देख कर पहचान अपने आप। अगर मेवात का नाम लिया जाता है सबसे पहले एक नाम आता है भाई मम्मन का नाम। हमारे लीडरान और भी बहुत हैं, मैं बड़े अदब के साथ ये सलाम करता हूँ। हमारे बड़े लीडर हैं जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर आप लोगों के बीच में किया। लेकिन जब मैं आज वाकई जब बोल रहे थे साहब के गुजरात से पूछते हैं हमसे भी बीच में, जब मैं महाराष्ट्र में गया तो मुझे भी कहते हैं भाई मम्मन का क्या हाल। ये मम्मन अच्छा हुआ यहाँ पर पॉलिटिक्स में आ गया इंजीनियर से, अगर कहीं बंबई चला जाता तो मेरा तो पेट पर लात मार देता। जब बिना पहुंचे हुए इतनी इसकी मकबूलियत है, इतनी पहचान है, तो आज मैं उस शख्स के लिए यहां पर आया हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए तमाम बातें कहती, मैं थोड़ी सी वो बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि कोई कसर मत रखिए, जीत हार उस मालिक के हाथ में, उस अल्लाह के हाथ में। लेकिन उसने मुझे इज्जत बहुत दी है, मैंने सर्टिफिकेट ला लिया हूं, मैंने हार की जिल्लत नहीं सही, लेकिन मैंने आप लोगों की मोहब्बत की इज्जत ली। इससे बड़ा और क्या चाहिए, इंसान इसीलिए जीता है, उस मालिक से यही मांगता है कि जिसके हाथ में इज्जत और जिल्लत है, उसने कहा जा मैं तुम्हें इज्जत देता हूं। मुझे दोस्तों हमसे चूक नहीं हुई थी, हमसे चूक नहीं हुई थी, हमें गफलत में रख दिया गया था। सारे दिन बिजली आई थी, इतनी गर्मी थी, बहुत सारे लोग सो गए, शाम को जाएंगे लोग डालने। भाई गर्मी हो या सर्दी, जब दिल में आग लगी हो ना, जब दिल में आग लगी हो तो दुआ करूंगा अल्लाह के अपने पास इनको लेकर गया है हर जगह सुकून बख्शे। दोस्तों आज मैं भाई मामन के लिए वोट आप दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, शायद इससे बड़ी जीत हरियाणा में कोई पहली दूसरी होगी, आगे नहीं जाने वाली। लेकिन कोशिश ये करना कि सुबह 6 बजे से लाइन लगा लेना, धूप हो गर्मी हो, ये कितनी भी स्लो करें ये पोलिंग, यहां पर बहुत टारगेट है इसमें। आप किसी टारगेट का सामना करने के लिए आपके पास में एक ही ताकत है, और वो है जब आप सब में खड़े हो जाएंगे तो कोई आपको निकाल नहीं सकता। अगर आप खड़े हो गए, 10,000 लोग भी खड़े हो गए, तो उस लाइन में से कोई निकाल नहीं पाएगा। इसलिए लाइनों में लग जाना, सुबह से लग जाना, कितनी भी लंबी लाइन हो, आप उस मालिक के सामने बस मैं इतना ही कहूंगा कि आपको तौफीक दे, आपको हिम्मत दे, आपको शऊर दे कि वहां से निकल मत जाना जब तक वोट ना डले। मैं जानता हूं जो भी मेवात में घर से निकला उसने वोट का मोहब्बत मुझे दी, लेकिन जो लोग नहीं निकले उनसे कोई शिकायत नहीं, गर्मी बहुत, कोई कमी किसी ने नहीं की। दिलों में आज भी मैं हूं, जिन्होंने नहीं दिया वो रोकी की, और जिन्होंने दिया वो तो जी जान से मुझे आज भी उतना ही कह रहे और देंगे। इसलिए भाई आप यहां पर जो आए हुए हो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, अब सब मामन बन जाओ। ये मम्मन बनकर
कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा घर बाकी नहीं बचना चाहिए कि जहां से बाकी लोगों को मम्मन मनाकर आप बाहर निकालें और उनसे वोट कर पाए। बुजुर्ग हों कंधे पर बिठा के ले जाना, नौजवान हों तो पकड़ के खींच के ले जाना, कोई हमारी खवातीन हजरात हों चल नहीं पा रही हो कि कोशिश करना किसी भी सूरत के अंदर उनको वहां तक पहुंचा देना, लाइन में खड़ा कर देना। अगर मानो कोई ऐसी जगह होती है छाता वाता ना हो तो हाथ में ले लेना भाई, लेकिन हो सकता है। मैं यकीनी तौर पर कहता हूं अगर आप लोगों ने जो 90% का जो हाथ उठा देती आप अगर ये 90% डाल दिया तो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड होगा ये मेरी बात। अब मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां आ गया हूं तो मेरा भी रिकॉर्ड बना दो कि मैं आज भाई के लिए वोट मांगने आया था और नगीना के लोगों ने ये अहद किया कि हम यहां पर वाकई दिखा देंगे राजभवन तुम्हारे यहां सो गए थे इस बार तो हम 90% तुम्हारे नाम पर ही देने का काम। लेकिन एक बात कहूंगा, मुझे यकीन मत दिला, अपने आप आंख बंद करके उसको तो कम से कम यकीन दिला दो कि हाँ हाँ हम 90% डालेंगे हाथ खड़े करके इंशाल्लाह। ये आपने किया है कि नजर आ जाए तो फिर देखिए मामन मंत्री बन जाए फिर तो मैं इसका हाथ पकड़ना देखूंगा कैसे भी काम करता। ऐसे बहुत प्यारा इंसान है कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे एक बहुत मजबूत हाथ मिल जाएगा मैं इसको कह पाऊंगा यार ये करवा दे भाई मामन मेरा ये काम करवा दे। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, इतने प्यारे लोग मिले हैं, इतने नौजवान मिले हैं जिसको मिल जाए अरे तो मेरी भी जवानी वापस आ गई यार इनको देखते। अच्छा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आप लोगों से मिलकर, मैं आता रहूंगा। बड़ा मेरी पूरी कोशिश है क्योंकि एक तो बहुत बड़ी मीटिंग है और मेरा प्रोग्राम जीटी रोड पे लगा दिया है, मैं अभी शाम को जाके बात करूंगा क्योंकि मेरे दिल के अजीज है इमरान आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ उस मीटिंग में होगा। जो कहता है ना आवाज एक हल्क लग पा रहा है पता जो सब चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजभवन साहब।